नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G9 Power vs Tecno Spark Go का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Moto G9 Power में 6.78 इंच जबकि Spark Go में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Moto G9 Power से कम है। विड्थ की बात करें तो Moto G9 Power में 3.02 इंच जबकि Spark Go में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Moto G9 Power में 0.38 इंच जबकि Spark Go में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Moto G9 Power में 221 ग्राम जबकि Spark Go में 193 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Moto G9 Power में IPS LCD जबकि Spark Go में TFT की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Moto G9 Power में 20:5:9 जबकि Spark Go में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Moto G9 Power में 6.8 इंचेस जबकि Spark Go में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Moto G9 Power में 720x1640 और Spark Go में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Moto G9 Power में 83.31% जबकि Spark Go में 81.23% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Moto G9 Power में 263 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Spark Go में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Moto G9 Power में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Spark Go की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Moto G9 Power में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Spark Go की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Moto G9 Power में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Spark Go में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Moto G9 Power में Adreno 610 जबकि Spark Go में Power GE8300 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Moto G9 Power में Qualcomm Snapdragon 662 और Spark Go में MediaTek Helio A20 मिलता है। बात करें RAM की तो Moto G9 Power में 4 GB जबकि Spark Go में 2 GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Moto G9 Power में 64 GB जबकि Spark Go में 32 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Moto G9 Power में अप टू 512 GB जबकि Spark Go में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 क्यूब देखने को मिलती है। बैटरी Moto G9 Power में 6000 mAh जबकि Spark Go में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Moto G9 Power में 2 कलर्स जबकि Spark Go में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Moto G9 Power 4 GB RAM 64 GB स्टोरेज के साथ ₹11,999 में मिल जाता है और बात करें Spark Go की तो वो 2 GB RAM 32 GB स्टोरेज के साथ ₹7,299 में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Moto G9 Power में 7
फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें टेक्नो स्पार्क गो की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में मोटो G9 पावर आगे है, मेन कैमरा में मोटो G9 पावर आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में मोटो G9 पावर आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें नोकिया G20 है, दूसरा ओप्पो A16 है, तीसरा मोटो G30 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G9 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।